छोटा सा इंसान मरता नहीं है, तड़पता रहता है। रुद्र को यकीन हो गया है कि मैं ही नागराज की बेटी अमृता हूं। बालिका देख रही है कि तुम्हें तुम्हारी मां का शरीर वापस मिल जाएगा। मैं नागदेव से सुना है कि नागरानी काले जादू से वापस लाई जा सकती है, और आप काला जादू जानते हैं। हमें आज रात ही हर हाल में मनी ढूंढनी होगी। इसकी इतनी हिम्मत, ये नागिन इस घर तक पहुंच गई। आज हम तुम्हें कैद करके छोड़ेंगे। आखिर तो आज तू हमारे शिकंजे से नहीं बच पाएगी। शक्तियों को चुनौती देने के लिए बार बार हमारे सामने आ रही है। तूने अभी रुद्र को ठीक से पहचाना नहीं है नाके। ये खेल तुझे बहुत भारी पड़ेगा। नागिन रूप में देख लिया, वो सुबह ही ये बात सबको बताएंगे और हमारा दुश्मन सावधान हो जाएगा। वो शायद मनी कहीं छुपा भी देगा। अगर सबको हम पर शक हो गया तो नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। सांप तो क्या, आपका कोई कुछ भी नहीं बना सकता। आपको सांपों से डर नहीं लगता? हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि अगर आपको कोई सांप काटने आएगा तो हम उसका फन कुचल देंगे। और एक सच बताएं आप, हमें भी सांपों से डर लगता है। छुपाती होगी रुद्रा ने वो टोकरी। हाँ है वो टोकरी,
कहीं वो दुष्ट रुद्रा ना आ जाए, हमें हमें वो टोकरी ढूंढनी होगी। बहुत अंधेरा है, कुछ कुछ दिखाई नहीं देता, रोशनी करनी चाहिए। जय महाकाल। रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। वो टोकरी 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 टोकरी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये तू अच्छी तरह जानता है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? कब तक जीवित रहेगा तू मूर्ख? उस नागिन ने अभेद्य रेखा तोड़ दी है, अब वो तुम्हें ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने देगी। भ्रम है ये आपका भ्रम। हम जान गए कि वो नागिन कौन है। बोझ से पकड़कर उसको पिटारी में बंद कर देंगे। तू उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा रुद्रा, कभी नहीं। हम उसे उसकी माँ की तरह ही मार। अरे मौत से आज तक कौन बच पाया है? कोई नहीं। कोई भी नहीं, और तू भी नहीं बच पाएगा। अफसोस, इतने सालों साथ रहने के बाद आप अपने शिष्य की शक्तियों को नहीं पहचान पाए। कैसे गुरु हैं? मूर्ख, हम वो गुरु हैं जो तुझे बचा सकते थे, लेकिन तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब वो नागिन तेरी मौत का तांडव करेगी और हम दूर खड़े तेरी मौत का तमाशा देखेंगे। जय महाकाल। सारे सपने सच नहीं होते था, पर आपका ये सपना तो कभी सच नहीं होगा। मौत का तांडव हम करेंगे, निशाना होगी वो नागिन। अमृता ने देखा है, मतलब घर में सांप था। ये हमारे घर में हो क्या रहा है? पहले विशाल भाई साहब की मौत सांप के काटने से हुई और अब हमारे घर में सांप घुस आया। देवर सर, आपने देखा था सांप? जी नहीं, अमृता ने देखा था। सपने में देखा। स्नेहा, अमृता झूठ क्यों बोलेगी? क्या हुआ? आप लोग सब इतने परेशान क्यों हैं? कल रात छोटी बहू रानी ने घर में सांप देखा। ये घर नहीं, सांपों की बांबी लगती है, जहां सांप घूमते रहते हैं। बहू झूठ नहीं बोल रही है, कल रात को इस घर में सांप था। हमने पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो बस के निकल गया। कहीं ये वही सांप तो नहीं था जिसने विशाल को काटा था? मासा, अब ये कैसे बताया जा सकता है? सभी सांप एक जैसे लगते हैं। पर ये तो बताया जा सकता है ना कि विशाल को सांप ने क्यों काटा? और अचानक इस घर में सांप क्यों दिखने लगे? मासा, गर्मियों का मौसम है, सांप सपोले तो निकलते ही रहते हैं। जगह देखकर कोई सांप अंदर आ गया होगा। अब घबराइए मत, अब सिक्योरिटी से कह देंगे कि शाम होते ही वो सब सतर्क हो जाए। तुम लोगों की यही लापरवाही हमारी मदद करेगी, होश उड़ जाएंगे सभी के जब आपको ये पता चले कि हम कौन हैं, और उसके बाद किसी को बताने के लिए आप सुंदाई नहीं होंगे।
कुछ तो है जो हम नहीं जानते, पर ये दोनों जानते हैं। हमें इन दोनों से बात करनी होगी। विष्णु, रुद्रा, हम आप दोनों से अकेले में बात करना चाहते हैं। क्या बात है मासा? आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? जी, हम कुछ समझे नहीं। अर्जुन के जन्मदिन पर विशाल की मौत सांप के काटने से हुई थी। फिर हमारे घर में नाग आया था। ये सब इत्तफाक की बात नहीं हो सकती। बताइए क्या छुपा रहे हैं आप लोग हमसे? बताइए रुद्रा, क्या छुपा रहे हैं आप लोग हमसे? मासा, हम भला आपसे क्या छुपाएंगे? वर्षों पहले आप तक्षक बन गए थे। क्या हुआ था वहां? हम जानना चाहते हैं क्या हुआ था वहां। आपके चेहरे की घबराहट बता रही है कि जरूर वहां कोई अनिष्ट हुआ था। विष्णु, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। हाँ मासा, हम तक्षक वन गए थे। उस दिन वहां गांव वालों का उत्सव था। यही लौटाने के लिए तो आपको बुला रहा था। लीजिए। आप जानते हैं क्या? आपकी परेशानी और उसकी चमक को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई कीमती पत्थर है। आपने ये बहुत बड़ा अपशगुन है। इस जंगल में नाग को मारकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। अनजाने में हमारे कारण नागराज और नागरानी की मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि वो बदला लेने जरूर आएंगे। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने हमसे छुपाई। आप लोगों की नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं। कैसी बातें कर रही हो? अरे भगवान से ज्यादा सम्मान हम आपका करते हैं। सम्मान कहने से नहीं होता रुद्रा, कर्मों से सम्मान जताया जाता है। बस अब बेकार में परेशान हो रही है। जो हो गया सो हो गया। नागराज और नागरानी को अरे वर्षों बीत गए। रुद्रा, नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। वो अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। विशाल के मौत उस बदले की शुरुआत है और उस नागिन का इस घर में आना ये सबूत है कि उस नागिन का निशाना आप दोनों है। मर जाएंगे हम। हमारा हर कदम हालत की उठ रहा है। जो सोचते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो गलत ही होता है। हमें शिव मंदिर जाना होगा, प्रार्थना करनी होगी। शायद हमसे ही कोई गलती हुई है जिसका ये परिणाम है। अमृता, आंखों में ये आंसू क्यों?
तुमने जो चाहा था वो तो हो गया। नहीं, हम जो चाह रहे वही तो नहीं हो रहा है। क्या अर्जुन के साथ तुम खुश नहीं हो? हमारा मकसद शादीशुदा जिंदगी की खुशियां नहीं है, हमारा मकसद है मनी को हासिल करना। और कल रात जब हम नाग रूप में मनी ढूंढ रहे थे तो रुद्र काका सर ने हमें देख लिया था। इस जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? तुम तो इसी घर में रह रही हो, सही वक्त आने पर मणि ढूंढ सकती हो। कब आएगा सही वक्त? हमारी माँ हमसे बिछड़ गई है, हमारी शक्तियाँ भी हमसे छिन गई, और बिना मणि के हम एक साधारण नागिन बन के रह गए। कब तक हम सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे? हम माँ के बिना नहीं जी सकते, किसी और बात पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हर वक्त बस यही ख्याल आता है कि हम माँ को कैसे वापस लाए। रोना किसी समस्या का हल नहीं होता। तो आप ही कोई हल निकालिए, आपने हमेशा हमारी मदद की है, इस बार भी कीजिए। हमें ये बताइए कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो काला जादू जानता हो? हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए हमारी। हिम्मत रखो अमृता, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ को वापस तुम तक पहुँचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। इसी पूजा घर में पिताजी सारे तंत्र मंत्र और साधना करते हैं। यहीं कहीं वो राज छुपा होगा जिससे अमृता की मां को वापस लाया जा सके। कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ नहीं। मोहताज है हम, अपने पिता के मोहताज है हम, उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो हमारी कभी मदद नहीं करेंगे, कभी नहीं। कैसे भूल गए, कैसे भूल गए अपनी शक्तियों को? ये राज तो आप पिताजी हमें बताएंगे।
किया तुमने? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप? देखो मोहिनी, मणि हासिल करने का बस यही एक तरीका है। भला मणि का नागरानी के शरीर से क्या लेना देना? इस सवाल का जवाब देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। क्यों? मुझ पे विश्वास रखो। क्या कि तुम नहीं चाहते कि मैं नागमणि हासिल करके इस पूरे नागलोक पर राज करूं? मेरा मतलब है हम दोनों नागलोक का राज आप ही को मुबारक। हमें तो सिर्फ आप में दिलचस्पी है। यानी तुम मेरी मदद करने को तैयार? याद रहे, धोखा हमें पसंद नहीं। मोहिनी का डसा मरता नहीं, तड़पता रहता है। नागरानी के शरीर को कैसे हासिल कर सकती है? अमृता को अगर नागरानी का शरीर हासिल करना है तो उसका एक ही रास्ता है। सो जाइए पिताजी। बात पसंद या नापसंद की नहीं है अर्जुन, बात यह है कि किसी ने प्यार से बनाया है तो उसे थोड़ा सा चखा जा सकता है। रिश्ते और प्यार एक दूसरों की भावनाओं की कद्र का नाम है। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस घर में सभी लोग एक दूसरों की भावनाओं की कद्र करेंगे। वो हम बच्चों के कमरे को देखने आए थे। अच्छा, बड़ी जल्दी आप सब कुछ देख समझ लेना चाहती हैं। हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन आज तक हमने इस घर को पूरी तरह से देखा नहीं। नहीं भाभी साहब, वो हम बोर हो रहे थे इसलिए हमने सोचा कि यहाँ आके कुछ किताब विताब पढ़ लें। वही ढूंढने आए थे यहाँ। किताबें आपको स्टडी में मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप कुछ और ढूंढ रही हैं तो बेशक अपना काम करती रहे। झूठ तो अमृता के चेहरे पर नजर आ रहा था, पर वो बुक नहीं ढूंढ रही थी तो क्या ढूंढ रही थी? दूसरे आदमी को भेजो। प्रणाम। आ, अमृता भी आई है? नहीं, हम कुछ अपने बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर बैठिए ना। अंबालिका का जन्म तो दूसरे लोगों का भविष्य बताने के लिए हुआ है, खुद का तो हम देख नहीं सकते। बस हमें इतना बता दीजिए, क्या भविष्य में हम अपनी बेटी से मिल पाएंगे कभी? हाथ लाइए। हाँ,
बालिका देख रही है कि आपकी बेटी एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जगह पर कैद है। ये जगह आपके घर के आसपास है। इस आदमी ने आपकी बेटी को कैद किया है। अपने हाथ में रुद्राक्ष की एक माला पहना है। कौन हो सकता है? मासा न जाने कहाँ चली गई, अभी तक आई नहीं। मासा आइए, आप भी खाना खा लीजिए। मासा, हमने अमृता और अर्जुन के हनीमून के लिए पेरिस की दो टिकट्स बुक किए। वाओ, पेरिस। डैड, हम आप सबको छोड़कर इतनी दूर पेरिस नहीं जाना चाहते। क्यों भाई साहब, आप हनीमून पर नहीं जाना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमने हनुमान जी के मंदिर में मन्नत मांगी है कि अगर हमारी अमृता से शादी हो गई तो हम हर रोज मंदिर जाकर वहां दिया जलाएंगे। पेरिस में हमें कहां मंदिर मिलेगा? भाई हमारा खाना। इस आदमी ने आपकी बेटी को कैद किया है। अपने हाथ में रुद्राक्ष एक माला पहना है। रुद्रा के हाथ में रुद्राक्ष की माला। अगर अंबालिका का कहा सही है तो ये रुद्रा भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये नियति का कैसा तमाशा है। ऐसा मासा, आप कहाँ जा रही है? बस बेटा, पेट भर गया। देखा गुरुदेव, प्राप्त कर ली हमने अपनी सारी शक्तियां। इसी तरह एक दिन हम वो मनी भी प्राप्त कर लेंगे। ये शक्तियां तो पहले भी तुम्हारे पास थी भैरव, पर मणि तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाए। कैसे गुरु है आप, कभी अपने शिष्य की उपलब्धियों में प्रसन्न नहीं हो? कभी नहीं कहते कि विजयी भव पुत्र, कभी नहीं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे जलते हैं। अभी भी समय है भैरव, सुधर जाओ। अपनी शक्तियों का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए करो। बस गुरुदेव, बस। हम यहां आपका भाषण सुनने नहीं आए। चुप हो जाइए वरना। क्यों क्रोधित करते हैं आप हमें, क्यों? कभी तो प्रसन्न होकर अपने शिष्य को आशीर्वाद दीजिए कि विजयी भव पुत्र। लेकिन अब हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। हम आपके आशीर्वाद के बिना भी वो नागमणि प्राप्त कर लेंगे। जय महाकाल। अरे काका साहब और दादी साहब तो हमारे हाथ का बना हुआ हलवा खाए बगैर ही चले गए। चलिए कोई बात नहीं। कनक, आप वाओ, गाजर का हलवा।
गाचे का हलवा, इसमें तो दूध होता है। अगर हमने ये खा लिया तो अपने दुश्मन को कभी नहीं मार पाएंगे। हम इस घर का दूध नहीं पी सकते। लीजिए डैड। देवरानी सर, लीजिए। हमें मत दीजिए। थोड़ा टेस्ट तो कीजिए देवरानी सर। नहीं भाभी साहब, वो हम मीठा नहीं खाते। अब हमारी तो नहीं सुन रही है ये। आप ही कुछ कहिए देवर साहब। अब इतना थोड़ा सा खा लो, भाभी साहब ने बहुत प्यार से बनाया। नहीं, हम नहीं खा सकते देवरानी साहब। ये हलवा है, जहर नहीं है जो आप इतना घबरा रही हैं। नेहा, अगर अमृता को पसंद नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? आप भी राजस्थानी हैं, आप बेसन की गट्टे नहीं खाते। कोई बात नहीं। चलिए अमृता, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत खाइए। बात पसंद या नापसंद की नहीं है अर्जुन, बात यह है कि किसी ने प्यार से बनाया है तो उसे थोड़ा सा चखा जा सकता है। रिश्ते और प्यार एक दूसरों की भावनाओं की कद्र का नाम है। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस घर में सभी लोग एक दूसरों की भावनाओं की कद्र करेंगे। ये मजाल उसकी कि उसने हमारे बनाए हुए हलवे को चखने से इनकार कर दिया। हमने भी उसे अगर इस हरकत का मजा ना चखाया ना तो हमारा नाम स्नेहा नहीं। कनक बेटा, कहाँ हो आप? आपकी आवाज सुनाई दे रही है पर आप दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? दादी साहब, हम आपके सामने हैं। कितने बेबस हैं हम। आप हमारे सामने हैं और हम आपको आजाद नहीं करवा सकते। हिंदी टेलीविजन पर पहली बार जंगल का राजा और रुद्र के रक्षक के बीच छिड़ेगी जंग अस्तित्व की। आप हमसे नाराज है भाभी साहब। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, पर हमें अपनी सफाई देने का एक मौका तो दीजिए। आपको हमारा अपमान करना था सो आपने कर दिया, अब क्या? ऐसा नहीं है भाभी साहब, हमने हलवा इसलिए नहीं खाया क्योंकि हमने दूध या दूध से बनी कोई भी चीज ना खाने की कसम खाई। क्यों? बचपन से ही हमारी माँ हमें ग्लास में दूध डालकर पिलाती थी। एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, तब से हमने ये कसम खाई। जब भी हम दूध या दूध से बनी कोई भी चीज देखते हैं ना भाभी साहब, हमें हमारी माँ याद आ जाती। तो तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम अपने दुख से पूरे परिवार को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने ये बात नहीं बताई। तो भाभी साहब, आप भी ये बात किसी को मत बताइए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारी छोटी बहन जैसी हैं, और अगर अनजाने में हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप जाइए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम इतने बेवकूफ नहीं है अमृता जितना आपने समझ लिया है। कुछ राज है जो आप छुपा रही हैं और वो हम जान कर रहेंगे।
उत्तर दिशा। अंबालिका ने कहा था कि वो जगह हमारे घर के आसपास ही है जहां हमारी बेटी कैद है, पर कहां? यही जगह है जैसे अंबालिका ने बताई थी, लेकिन हमारी बेटी कनक क्यों नहीं दिखाई दे रही? कनक, कनक बेटा, कनक कहाँ हो तुम? दादी साहब, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कनक कहाँ हो तुम? दादी साहब, हम यहाँ हैं। कनक बेटा, कहाँ हो आप? आपकी आवाज सुनाई दे रही है, पर आप दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? दादी साहब, हम आपके सामने हैं। कितने बेबस हैं हम। आप हमारे सामने हैं और हम आपको आजाद नहीं करवा सकते। हम माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम निर्जला लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर हमारी जान भी जाती है तो भी हमें कोई गम नहीं, लेकिन हम जिंदा लौट आए तो मां को जरूर ले आएंगे। अगले हफ्ते शुरू होगा। रुद्रा, यानी हमारा शक सही निकला। हमारी बेटी रुद्रा की कैद में है। रुद्रा की इतनी हिम्मत कि वो अपनी ही बहन को कैद करके रखे। आज हम रुद्रा को नहीं। त्रिवेणी, ये आप क्या कर रही हैं? रुद्रा जानता है कि कनक एक इच्छाधारी नागिन है। अगर आपने ये बताया कि कनक आपकी बेटी है तो वो जान जाएगा कि आप भी एक इच्छाधारी नागिन हैं। कोई है? कौन है यहाँ? कौन जानता है हमारे इस जगह के बारे में? क्या कमी रह गई है हमारी भक्ति में साइना? क्यों हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है? हमारी सारी शक्तियां तो हमसे छिन गई, हमारी माँ हमसे दूर हो गई है और हम लगातार शक के घेरे में आते जा रहे हैं। हमारा साथ दीजिए साइना, हमारी मदद कीजिए। अमृता, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारी मां को वापस लाने का तरीका ढूंढ लिया है। सच बताइए ना, हमें हम अपनी माँ का शरीर कैसे वापस पा सकते हैं? उसके लिए तुम्हें निद्रा लोक में जाना होगा। वहां से तुम्हें अपनी माँ का शरीर प्राप्त होगा, पर ये इतना आसान नहीं है। निद्रा लोक में तुम निद्रावस्था में ही जा सकती हो, और अगर उसके बाद तुम नहीं उठी तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। आप हमें निद्रा लोक में जाने का रास्ता बताइए।
निद्रालोक में जाने के लिए तुम्हें हम माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम निद्रालोक जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर हमारी जान भी जाती है तो भी हमें कोई गम नहीं, लेकिन हम जिंदा लौट आए तो माँ को जरूर ले आएंगे। रुद्रदेव रक्षा 23 अप्रैल से शाम 6:30 बजे बिग मैजिक पर। आंखों से देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुमने हमारी कैद से कोई आजाद नहीं करा सकता। कोई नहीं। हम आपको बिना बताए निद्रा लोक जा रहे हैं, हमें माफ करना। लगता यही है निद्रा लोक का रास्ता, हम पहुंच गए। उठो अमृता, हमेशा के लिए सो जाओगी। अमृता उठो, उठो अमृता।